हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा हॉस्पिटल है मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों के लिए, जहाँ रिश्तेदारों के साथ में या रिश्तेदारों के अलावा दोनों भी लोगों को भर्ती करते हैं। मेरे पास में काफ़ी लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं और काफ़ी सारे लोग रोते रहते हैं। मतलब लोगों को इतनी समस्या है और वो समस्या को लोग बार बार दोहरा के रोते रहते हैं। अच्छा भी रहा कुछ लोगों का, तभी वो रोएंगे कि इतना अच्छा नहीं। कुछ लोग मार्केट के कंपटीशन के बारे में रोएंगे, कुछ लोग बच्चों के पढ़ाई के बारे में रोएंगे, कुछ लोग खुद के हेल्थ के बारे में रोएंगे, कुछ लोग पत्नी से पट्टी नहीं करके रोएंगे, कुछ लोग मनवाड़ा करके रोएंगे। बारिश है तो बारिश ज़्यादा क्यों है, धूप है तो धूप ज़्यादा क्यों है, ठंड है तो ठंड ज़्यादा क्यों है। कहीं शादी में गए, रिसेप्शन में गए, इतना अच्छा बढ़िया सा वातावरण रहा, तभी उसमें वो देखेंगे कि उसमें क्या कमियाँ हैं, वो देखेंगे और वो पॉइंट आउट करेंगे, इसमें ये ऐसा होना था, ऐसा भी वो बोलते जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो फॉल्ट निकालेंगे, दोष निकालेंगे और उसके बारे में ही बोलते रहेंगे। ये लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहेंगे, कंप्लेंट बॉक्स में इनकी कंप्लेंट पड़े रहेंगी। जहाँ भी कंप्लेंट बॉक्स से पहले जाके वो डाल देंगे अपनी कंप्लेंट और हरदम निगेटिव रहेंगे। समझो अठारह ड्रामा नाटक या अठारह पिक्चर देख के बाहर आए और हम उनसे मिले और उनको पूछा कि ये ड्रामा कैसा था, नाटक कैसा था, बोलेंगे नॉट बैड, कोई ख़राब नहीं था। मतलब अच्छा नहीं बोलेंगे, ख़राब नहीं था ऐसा बोलेंगे। या खाना कैसा था, ठीक था। मतलब जब कुछ नुक्स निकलने वाला है नहीं तब ठीक बोलेंगे लोग। मतलब ऐसा कंटिन्यूसली लोग बोलते रहते हैं। देखो हाउसवाइफ जो है, हाउसवाइफ गृहिणी, दोपहर को बैठेंगे सब, तीन चार पांच जमा हो जाएंगे, या फिर शाम के समय रात के समय पुरुष वर्ग भी है, जब उनको काम नहीं रहता तो जमा हो जाएंगे, कट्टे पे बैठेंगे और फिर गपशप मारते बैठेंगे। दोपहर में जब लेडीज बैठती है तो अपनी दर्द भरी दास्तानें सब सुनाते जाएंगे और मरो कितनी तकलीफ है वो लेडी बताते जाएंगे। जो लेडी सुनती है वो भी लेडीज जो है वो अपनी कहानी कितनी ख़राब है या कितनी बुरी है और मेरी सांस कितनी तेरे सांस से ज़्यादा बुरी है वो फिर बताना चालू करेंगी। मतलब वो दोनों में कंपटीशन लग जाती कि कौन सी किसके साथ ज़्यादा बुरी है और टाइम पास करते रहते हैं। हम तो वहाँ जाके कंप्लेंट करते कि जहाँ वो कंप्लेंट का कुछ हल होगा नहीं। मतलब बॉस के साथ में कुछ कंप्लेंट है, बॉस से जमते नहीं है, तो फिर जाके पत्नी के साथ में बोलेंगे कि मेरा बॉस ऐसा ऐसा है, वो पत्नी क्या करेगी। या मेरे एक दोस्त के साथ में बनती नहीं है तो मैं दूसरे दोस्त के पास में जाके वो उसके बारे में बोलूंगा कि मेरे उससे बनती नहीं है, वो दूसरा वाला क्या करेगा कि जब तुम्हारी ऐसे बनती नहीं। मतलब जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहाँ जाके वो प्रॉब्लम का हल करना पड़ेगा, वहाँ जाके सामने सामने बात करनी पड़ेगी। मगर ये जो इस तरह के जो लोग हैं ना, वो सीधी बात नहीं करेंगे, खुली बात नहीं करेंगे, पीठ के ऊपर बात करेंगे, पीछे बात करेंगे और फिर उसमें उनको मजा आता रहता है। असली बात तो यह है कि इसमें कोई भी काम रहे तो सीधी बात करना, जहाँ भी कंप्लेंट है वहाँ जाके उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं वो देखने का है। और सीधी जब बात करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, कुछ एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप खुश हो जाएंगे, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो जो निगेटिव लोग हैं ना, इनसे आप संभाल के, बार बार जब आप निगेटिव सुनते हैं ना तो हम भी निगेटिव बन जाते हैं। एक हमारे दोस्त है परिचित है, अच्छे घर के हैं, काफ़ी पैसा वैसा भी बहुत अच्छा कमाते हैं, मगर कभी मिले ना तो हमारा क्या ऐसे ही है, हमारा क्या तुम्हारी इतना अच्छा नहीं है, मेरा क्या ऐसा ऐसा, मतलब हर हमेशा रोते रहे। मैं बोलता हूँ उनको, अच्छा तो सब कुछ चला है, क्यों ऐसा रोते हो? क्योंकि आप जब रोते हैं बार बार वही बोलते हैं तो ऊपर वाला बोलता है तथास्तु, तू जो बोल रहा है ना सही हो जाएगा। मैं उनको बोलता था कि ऐसा मत बोलो, अकोला की है वो, कुछ महीनों बाद में ऐसा हो गया कि सच्ची उनके ऊपर ऐसी ट्रेजेडी हो गई घर में और इतना फाइनेंशियल लॉस हो गया, उसमें उनके ऊपर कुछ आरोप हुए और इतना डाउन चले गए वो कि वहाँ से उठने को फिर से अभी कब उठेंगे पता नहीं, ऐसी स्थिति आ गई। तो हरदम हमेशा अच्छा बोलना है, क्योंकि हम मराठी में ऐसा बोलते कि शुभ बोल रहे नारे भाई, अच्छा बोलो। तो ये नकारात्मक लोगों से आप बचो, और आप यदि नकारात्मक बोलते होंगे तो आज से बंद करो।
नकारात्मक बोलना है, नेगेटिव बोलने का नहीं है, जो भी बोलना है सकारात्मक बोलने का है। सकारात्मक विजुअलाइज करो, उसके ऊपर एक्शन लो, और एक्शन आप यदि लेंगे तो एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको यदि ऐसे ही है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे वो होना ही है, तो सिर्फ बैठ के होगा नहीं, आपको एक्शन ही लेनी पड़ेगी। सिर्फ बोल के, निगेटिव बोल के, निगेटिव लोगों के संपर्क में आके कुछ होने वाला नहीं है। आपके संपर्क में ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जो ऐसी बातें करते होंगे, और उससे हमारा समाज सब खराब हो रहा है। जो सुनते हैं उनके ऊपर बुरा असर हो रहा है, जो बोल रहे हैं उनके ऊपर बुरा असर हो रहा है। ये वीडियो उनको जरूर शेयर करो, ताकि उनकी खुद की मेंटेलिटी वो पॉजिटिव करेंगे। मैं बोलता हूँ कि आपके मन के विचार आप निकाल नहीं सकते, वो विचार आते रहते हैं, 50 से 60 हज़ार विचार दिमाग में आते रहते हैं हर रोज, वो हम बदल सकते नहीं, वो ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं ना, मरकट बोलते हैं, है ना, मरकट मतलब माकट, बंदर अपना मन, उसको कुछ नहीं कर सकते, मगर हम बोल तो सकते हैं अच्छा, हमारी बोली भाषा में तुम अच्छा ला सकते हैं, दिमाग में विचार कुछ भी लाओ, तो डेफिनेटली आप अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, तो आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा, बहुत ही खुशियाँ आ जाएंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा आपके जीवन में। तो जरूर ये लोगों को शेयर करो, ये वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, फेसबुक के ग्रुप पे शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो। मेरे ऐसी वीडियो आपको हर हफ्ते में, हर दिन जब जब मैं पोस्ट करता हूँ आपको आ जाएंगे। काफ़ी सारे मेरे वीडियो के वो मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी के बारे में मोटिवेशनल वीडियोज़ है, आप जरूर सब्सक्राइब करते जाओ और जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।